किसी के कदूस बर्क नाम में तमाम मोहतरम और मोज़ नाजरन को सलाम कबूल हो प्रोग्राम हतमी सच्चाई में एक बार फिर दिल के गायों से आप सबको खुशामदीद कहते हैं जैसे कि मैं अपने पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र कर चुकी हूँ कि अब हम कोशिश करेंगे कि उन तमाम एतराज़ा को एड्रेस किया जाए जो कि मुख्तलि जराय से जो है लोग उठाते हैं या करते हैं इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट जरिया है फेसबुक जिस पर बहुत सारे हजरात में अपनी डिफरेंट आईडीज़ बनाते हैं उस पर पोस्ट करते हैं और मसीही हज़ात के ख़िलाफ़ मसीही अकायद और तलीमत के ख़िलाफ़ उन पर एतराज़ उठाए जाते हैं इसी सिलसिले में एक साहब हैं आरिफ मोहम्मद साहब इन्होंने एक पेज क्रिएट किया पेज का नाम बहुत ही क्रिएटिव है और नाम है उठते हैं हिजाब आखिर। और इस पर उन्होंने बहुत से एतराज़ उठाए हैं इन्हीं एतराज़ा को हम आज एड्रेस करेंगे और एतराज उठाए गए हैं डिविनिटी ऑफ क्राइस्ट के बारे में हालांकि मैं आपको बताती चलूं कि प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब कोई छः प्रोग्राम डिविनिटी ऑफ क्राइस्ट पर रिकॉर्ड करा चुके हैं लेकिन ालिबा आरिफ मोहम्मद साहब की तशफ़ी यहाँ जो है वो नहीं हुई तसली तो फिर से उनके इन्हीं सवालत को एड्रेस करेंगे जो कि उन्होंने अपने फेसबुक आई डी पर डाले हैं खुशा मदीद कहते हैं प्रोग्राम में प्रोफ़ेसर जनाब शफीक कमल साहब को इस सिलसिले में पहला सवाल जो मैं आपसे करना चाहूँगी वो ये है कि वो लिखते हैं कि इंसान तो पाक हो नहीं सकता क्योंकि वो औरत से पैदा हुआ है इसलिए जितने भी लोग औरत से पैदा हुए हैं वो सब जो है क्या ऐसा ही है पहली बात तो मैं इनकी पोस्ट के बारे में करना चाहता हूँ अपनी पोस्ट का नाम रखा उठते हैं है ये नाम तो वाकई क्रिएटिव है लेकिन हकीकत नहीं है कि ये हजाब उठा रहे हैं ये लोगों के जहन पर पर्दा डाल रहे हैं हजाब डाल रहे हैं डाल रहे हैं ये लोगों को अंधेरों की तरफ धकेल रहे हैं ठीक तो इसके लिए मैं एक शेर सुनाना चाहूँगा कि जी ये आ अपना ये शेवा है कि अंधेरों में जलाते हैं चिराग उनकी साजिश है ज़माने में यही रात रहे वाह तो जो सवाल पूछा कि इंसान तो पाक हो नहीं सकता क्योंकि वो औरत से पैदा हुआ है पहले तो आप ये देखें कि ये बयान किसका है ये बयान जबराइल फरिश्ते का नहीं है ये बयान एूब नबी का भी नहीं है ये बयान अयूब के दोस्त बलदल सूखी का है ओके okay. तो अब बलदत सूखी साहब और दूसरे दो दोस्त तीनों दोस्त जो उसको मशवरे दे रहे थे और इवन अयूब की बीवी भी जो उसको मशवरे दे रही थी वो मशवरे ये दे रहे थे कि ठीक है जब खुदा भला है जब तक आपके साथ नेकी करता है तो आपके ताल्लुक ठीक रहने चाहिए लेकिन जब उसकी तरफ से अब आ, आ, कोल्ड शोल्डर है तो अब आप भी ऐसा ही करें ये इस किस्म के मज़ तो उस शख़्स का ये बयान है ताहम सही ताहम बाइबल की ये तालीम भी है सब ने गुनाह किया इसलिए खुदा के जलाल से महरूम है ये बात बाइबल कहती है दर्ज है इसमें दर्ज है आरफ मोहम्मद साहब की जो कारीगरी है ये इनको ना बलदल सूखी से कुछ लेना देना है ना एूब से कुछ लेना देना है ना इंसान के गुनागार होने से कुछ लेना देना है ये सारा जो माहौल बना रहे हैं स्टेज सेट कर रहे हैं ये मसीह की जात के लिए कि मसीह पर ये सारे फार्मूले फिट करके जी, जी इस ही सवाल में आके आपसे पूछना जी, भी चाह रही थी कि इसी बात को उन्होंने दलील बनाया और जी। कहा कि चूंकि मसीह यसु की पैदाश भी एक औरत से हुई उन्होंने भी एक औरत से उनका तजस्या जी, जी, जी। उनकी कारीगरी तो वो भी इसलिए गुनाकार है समझ गया मसीह पे लाना चाहते हैं कि वो तो भी चूंकि औरत से पैदा हुए लिहाजा वो भी गुनागार है वो भी खाकी इंसान है और उनका खमीर भी यहीं से उठा वगैरह वगैरह समझता हूँ मसारी बात ठीक तो इसी इसी बात को वो दलील बनाते हैं तो आप इस पे कुछ रोशनी डालिए कि वो कहते हैं कि क्योंकि मसीह यसु भी जो है वो औरत से पैदा हुए थे इसलिए वो गुनहगार हैं तो आप इस पे थोड़ी रोशनी डालिए पहली बात तो ये है कि औरत से पैदा होना एक मुहावरा है जो बाइबल में दो तीन जगह इस्तेमाल किया गया ठीक मतलब इट्स एन लैंग्वेज एक है तो जहाँ पर भी ये बात आई है इसका मतलब ये है कि औरत से पैदा होने से मुराद ये है कि इंसान इनकसारी और हलीमी की तरफ इशारा सही तो मसीह भी औरत से पैदा हुए तो ठीक है तो ये उनकी इंकसारी और हलीमी के वैसे तो वो खुदात है, है। लेकिन इंसान बन के औरत से पैदा हुए और वो सारी उन सारे मरल से गुजरे ये उनकी हलीमी और इंकसारी की तरफ इशारा या आप समझें कि उस अजीम मिशनरी स्पिरिट की तरफ इशारा है कि काम करना है तो फिर रास्ते में जो भी आए मैं पीछे नहीं हटूंगा ठीक इसकी थीक। तरफ इशारा है ये उनके गुनागार होने की दलील नहीं है ठीक तो आप किसी मुहावरे को आप ये देखें कि जिस किताब ने यह मुहावरा इस्तेमाल किया वो किन मानों में इस्तेमाल कर रहा है यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है सही ठीक अच्छा इसी सिलसिले में आगे वो ये पूछते हैं कि चूंकि जो है हजरत मसीह का खतना जो है वो आठवें रोज किया गया तो ये तो इंसानी तरीक़ के मुताबिक हुआ तो इस पर आप कुछ रोशनी डालिए किस तरह से ये वो इस बात को इस तरह से क्यों ले रहे हैं इंसान बने थे ठीक इंसान थे नहीं वो खुदा था लेकिन उसका तजसम हुआ तो वो इंसान बना तो आठवें दिन जो उसका खतना हुआ वो सब कुछ यहूदी तरीक पे हुआ यहूदियों की जो रसूमात थी वो सारी उन्होंने की इसीलिए तो वो कहते हैं कि उसने शरीयत को पूरा किया और ये शरीयत को पूरा करने का मकसद ये था कि कोई इंसान ये ना कहे कि शरीयत पर इंसान होते हुए अमल नहीं किया जा सकता इंसान होते हुए उसने इन सारी बातों पर अम, अमल करके दिखाया और कहा बाइबल कहती है कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुना रहा रहा इस बात को आरफ मोहम्मद साहब ने या तो पढ़ा नहीं या जानबूझकर कर नजरअंदाज कर रहे हैं और नज़रअंदाज कर रहे हैं तो मुजरमाना गफलत कर रहे हैं ठीक बात यह है कि आप ये कहें कि औरत से पैदा हुआ लिहाजा वो गुनागार है उसका ख़तना हुआ लिहाजा वो गुनागार है तो ये आपकी दलील ही आप गलत उठा रहे हैं आपने बुनियाद ही गलत रख दी आगे जाके मुझे नहीं पता आप क्या गोल खिलाएंगे लेकिन बुनियाद ही उन्होंने गलत रख दी ठीक अच्छा इसी बात में वो जो है मुकदस योहाना के मुताबिक लिखे गई इंजील का हवाला देते हैं कि उसके दसवें बाप की छत्तीसवें आयत में जब हजरत मसीह को अदालत आलिया में पेश किया गया तो वहाँ पर जो हजरत मसी फमाते हैं कि मैं बाप की तरफ से मुकद्दस करके भेजा गया हूँ और तुम कहते हो कि मैं कुफर बकता हूँ जबकि जो है क्योंकि मैंने कहा है कि मैं खुदा का बेटा हूँ तो उन्होंने इस बात को दलील बनाने की कोशिश की है कि मसीह जो है वो पहले से पाक नहीं थे बल्कि खुदावन ने उन्हें मुक़दस किया था तो इसके ऊपर आप कुछ रोशनी डालिए कि ये बड़ी उन्होंने उलझाने वाली बात करती है उलझाने वाली बात की है या जानबूझकर वो ट्रिक लगा रहे हैं मैं समझता ये ट्रिक है जहां से उसने तमहीद तो बांधी थी वहीं से ट्रिक शुरू हो गई थी और वो ट्रिक की गलत है ठीक आप स्ट्रीट पे किसी आदमी को पकड़ के उसके साथ गुफ्तगु करें तो हो सकता आपके झांसे में आ जाए लेकिन मैं आपको बताऊं कि कचहरियों के अंदर जो गलत नजरियात हैं वो कायम नहीं रह सकते आप खड़े नहीं हो सकते जज के सामने जब आप बयान करेंगे तो आप अपनी बाजी हार जाएंगे और खूसी तौर पर मसीह यु के सामने अगर आपने दलील गलत रख दी तो वहाँ पर तो आपके दांत खट्टे हो जाएंगे हाँ और फरीसीों के साथ यही होता था कि वो बड़ी बड़ी दलीलें लेके आते थे बड़े बड़ी बड़ी बड़े बड़ी बड़ी बातें बड़े बड़े सवाल बना के लाते थे लेकिन मसीह के सामने जब आते थे तो मसीह उनके दांत खट्टे कर देता था तो अब इन्होंने हवाला यहुन्ना की इंजील किल बाब बाप आयत जिसमें लिखा है कि आ, आया तुम उस शख्स से जिसे बाप ने मुकदस करके भेजा कैसे हो कि तू कुफर पकता है अब ये जो मुक़दस करके भेजा कि मसीह खुद कह रहे हैं ये इसको इन मानों में ले रहे हैं कि वो गुनागार था लेकिन उसको मुकदस किया, किया, किया गया होली किया गया पाक किया गया ये ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ते नहीं औरिजिनल टेक्सट अगर पढ़ें तो वहाँ पे जो मुक़दस करना के लिए लफ्ज़ है वो है हैग्योजो हैगयाजो और हैगयास उसकी रूट है इसका मतलब पाक भी है पाक करना भी है ठीक है लेकिन जिस कन्टेक्स्ट में ये इस्तेमाल हुआ वहाँ इसके मतलब हैं कॉन्सक्रेट करना डेडिकेट करना सेपरेट करना किसी काम के लिए मखसूस कर लेना करना। किसी काम के लिए अलग कर देना मसलन मैं आपको बताऊं कि चर्च के अंदर जो बर्तन इस्तेमाल होते हैं शारबानी के लिए हम उनको मखसूस कर, कर देते हैं हम उनको मुकदस कर देते हैं जब उनसे बर्तनों से उनको अलहदा कर देते हैं सेपरेट कर देते हैं अब वो सिर्फ चर्च में इस्तेमाल होंगे और इसी काम के लिए आपके घर को मेहमान आया तो आप ये नहीं कह सकते वो गिलास उठा लो इसमें जूस इसको डाल नो वो उस काम के लिए मुकदस हो गया जैदा हो गया मखसूस हो गया तो हैगियास और हेग्यास के मानी है किसी काम के लिए अलग कर लेना सही तो चूंकि इन्होंने वो उर्दू में पढ़ लिया मुकदस करना अरबी का लफ्ज है उन्होंने वहीं से इसका मतलब उठा लिया टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट को नजरअंदाज कर लिया तो इसलिए उनको गलती लगी ओल्ड टेस्टामेंट में इसके लिए यही मखसूस करना इब्रानी में जो लफ्ज़ है वो मसा करना ठीक। और मिशाख मसा करना उसी से मसीह निकला जिसको मसीह ने ख़ुद भी कहा कि मुझे मसा किया है खुदा का रूप मुझ पर है उसने मुझे मसा किया है तो मसा किसी ख़ास काम के लिए किया था जो उसने मनशूर नासरत में सब कुछ बयान भी कर दिया तो ये सारी गलत फहमियाँ आपको उस वक्त होती हैं जब आप किसी लैंग्वेज को नहीं जानते और आप रिसर्च शुरू कर देते हैं त्राजम पे सही जो कि अगेन बहुत बड़ा ब्लंडर है हु, रिसर्च तराजम पे नहीं होती इतराज तराजम पे नहीं होता आपने रिसर्च करनी है कोई तहकीक करनी है तो वो आपको ओरिजिनल लैंग्वेज पढ़नी चाहिए अब चूँकि मसूफ ने ओरिजिनल लैंग्वेज पढ़ने की जहमत गुवाराने की समाइम ये नेट से ओरिजिनल लैंग्वेज के कुछ लफ्ज़ चुन, चुन लेते हैं लेकिन चूंकि आपको लैंग्वेज नहीं, नहीं आती आपको ग्रामर नहीं आती आपको अदब नहीं आता तो आप मिसगाइड हो जाते हैं। जैसे उर्दू ज़ुबान में भी एक लफ्ज़ के बहुत सारे मायने हो सकते हैं जी तो इसी तरह से इब्रानी ज़ुबान में भी या जो ओरिजिनल टेक्स्ट है इरामी ज़ुबान में भी अनाजिर जो लिखी गई उनमें भी आपके कहने का मकसद ये है किल्फाजों के जो है मुख्तलिफ मतलब होते हैं जिनको उस कॉन्टेक्स के ज़रिए से वहाँ पर फिट किया जाता है ऐसे ही नहीं कि आपने बस जो है उसका तर्जुमा जो है कर दिया और उस पर एतराज़ा शुरू कर दिए और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि ऐसे एतराज़ा उठाए जाते हैं जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तराजुम को पढ़ना है कि आपने सिर्फ तर्जुमा पढ़ा और एतराज़ जो है वो कर दिया आपने ये जो सवाल पूछा था मैं मुझे नहीं पता अगला सवाल आपने क्या पूछना है लेकिन मैंने अंदाज़ा कर लिया है कि मसूफ़ के ज़ेन में ये बात है कि चूँकि खुदा ने उसको मुकदस करके भेजा तो लिहाजा इसका मतलब पहले वो बहुत गुनागार थे पहले वो उनका करैक्टर ठीक नहीं था इसलिए पहले उनका करैक्टर या थीक वो थीक आम, आम इंसानों की तरह थे आम आदमियों की तरह थे आम इंसान की तरह होने का मतलब यही है कि वो गुनागार थे पाक नहीं थे पाक नहीं थे ये इनके थे। जेन में इसी... है लेकिन ये सारी की सारी मिसकंसेप्शन्स है सही इसे मिसकंसेप्शन को ठीक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है जिस तरह से प्रोफेसर साहब ने आपको वो ओरिजिनल वर्ड बता दिया कि वहाँ उस आयत में मुकदस चौहाना के मुताबिक लिखे गए इंजील उसके दसवें बाप के छत्तीसवें आयत में जो ओरिजिनल हिब्रू वर्ड यूज़ हुआ है उसका कतन ये मतलब नहीं लिया जा सकता इससे इस सिलसिले में वो दूसरे जो एतराज़ उठाते हैं वो ये कहते हैं कि खुदावन ने जो है दूसरे अम्बिया कराम को पाक या मुकदस किया था और पाक और मुकदस करने के बाद वो जो है मुकदस में शामिल हो जाते थे उसी तरीक़ पर जनाब मसीह को मुकदस या पाक किया गया था और फिर बाद में वो मखसूस हुए थे इस पर आपको कुछ नहीं डालिएगा अब उन्होंने इधर उधर से हवाले पकड़ने वाक़ पकड़ने और अपना थी इस्टेबलिश करने की कोशिश ठीक कर रहे मोहम्मद साहब यही काम कर रहे हैं कि खुदा ने दीगर अम्बिया को भी पाक और मखसूस करके भेजा दीगर अम्बिया के बारे में भी ये बात मैं बता दूँ कि मखसूस और मुकदस करने का इनके लिए भी इसी कंटेक्स में आया है लफ्स कि इनको अलग किया दुनिया से अलग कर लिया अपने काम के लिए मखसूस कर लिया था जब लिखा कि उनको मुकदस करके अच्छा बहरहाल पाकिजगी की भी उनसे खुदा तो करता था और उनके मैार में शामिल थी उनको पाक होना चाहिए था यह भी है लेकिन जब यह कहा गया कि इसको मुकदस किया मखसूस किया तो इसका वो मतलब नहीं है जो आरफ साहब समझ रहे सही सही और इस पर आप पहले भी रोशनी डाल चुके जी आरिफ मोहम्मद साहब जो है आ, हवाला पेश करते हैं अपनी दलील को मजबूत करने के लिए मुकदसमती रसूल के मुताबिक लिखी गई अंजील उसके तीसरे बाप की तेरहवीं से पंद्रहवीं आयत में जहाँ पे जनाब मसीह ने आ, मुकदस योहाना इस तबागे से यहाँ जिन्हें हम हज़रत सलाम आ, भी कहा जाता है उनसे बपतिस्मा लिया था तो वो इस वाक़े को अपनी दलील बनाते हैं कि क्योंकि जनाब मसीह ने भी बपतिसमा लिया तो इसलिए वह गुनहगार थे इसलिए उन्होंने बपटिसमा लिया क्योंकि वो कहते हैं कि एहद जदीद में जितने भी लोग बपतिसमा लेते थे वो सिर्फ इसलिए बपतिसमा लेते थे ताकि अपने गुनाहों से छुटकारा हासिल कर सकें या गुनाहों से पाक किए जा सकें। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं बपतिसमे के बारे में बहुत ज़्यादा अभाम पाया जाता सब में इवन अमंगस ठीक।, ठीक अच्छा आपकी दलील ये है कि मुसी ने वप्त लिया तो ला महला वो गुनागार थे और गुनाहों से पाक करने के लिए वप्त लिया मेरी नहीं आरिफ मोहम्मद तो वही वही <laughs> कोई महातब करके कह रहा हूँ कुरान मजीद में बकरा की एक सौ अड़तीस आयत में हजरत मोहम्मद के बारे में भी ये तहरीर है कि उन्होंने भी इसतबाग लिया अच्छा हाँ तो अब ये पाकिजगी का था या गुनाह का था ये फैसला उनका करना बरसबीले तस्करा मैंने बता दिया ठीक को समीने की जरूरत है मुसीयसु ने जो बपत लिया था अच्छा पहले मैं बताऊँ कि युना का बपतस्मा था क्या जहाँ से लोगों को गलत फहमी थी वो मुसीयसू के लिए स्टेज सेट कर रहा था उसने खुद भी गवाही इस जी 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 वो स्टेज सेट कर रहा था और स्टेज की सेटिंग ये थी कि बनी इसराइल के अंदर जो लोगों के अंदर टेढ़ापन पन और कजर भी पाई जाती थी उसको ठीक करे ठीक तो वो यकीन उनको बपतिसमे दे के तो उनकी आप मैं समझता हूँ कि उनको स्ट्रीम लाइन कर रहा था योना का बपतिस्मा तोबा का था लेकिन उसी सुने जब बपतिस्मा लेना चाहा य से तो आपको पता यमुना ने इन द फर्स्ट प्लेस इनकार कर दिया था कहा मैं तो इस इसका नहीं हूँ कि आपको मैं तो खुद चाहता तो हूँ कि आप मुझे बपतिस दो भाई आप किधर आ गए मेरे से ये काम ना करवाओ और फिर आपको पता पब्लिक को यमुना इस ने ये भी बताया था कि जो मेरे बाद आता वो मुझसे मुकदम है और इतना मुकदम है कि मैं तो झुक कर उसकी जूतियों का तस्मा खोलने के लायक नहीं ठीक तो फिर मुसी सुस को कह रहा था मुझे बपतिस्मा दे तो वजह वजह यह था कि बपतिस्मा एक साकरामेंट के तौर पर शुरू किया गया तो इसलिए मुसी ने कहा कि मैंने चूंकि शरीयत की एक एक चीज़ पूरी की है तो मैं इसको भी पूरा करूँगा ताकि मैं अपने आप को कामल इंसान साबित कर सकूं और ये भी साबित कर सकूं कि शरीय पर अमल करना बतौर इंसान मुमकिन है तो करके दिखाया तो मसीसू का बपस् रास्तबाजी का निशान था गुनाहों से माफी का बपत नहीं था ये या हलीमी और फरोतने का भी आ, एक आ, आ, वो निशान भी आप कह सकते हैं रास्तबाजी का निशान क्योंकि रास्तबाजी का लफ्ज उन्होंने तो इस्तेमाल किया के हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी रास को पूरा करना अच्छा तो क्रिश्चियन बैप्टिज्म जो है वो नए अहद में शमूलियत का निशान है ठीक लोग मिक्सअप कर जाते हैं सारी चीज तो बैक टू योर क्वेश्चन के जो यमुना का पपत मुसी यसु को पपतमा देने की रस्म थी या मुसी यसु ने जो पपतमा लिया वो गुनाहों से माफ़ी का नहीं कहाँ मुसी यसु ने कहा कि मैं इकरार करता हूँ भरी मजलस में लोगों के सामने सरेआम इकरार करता हूँ कि मैं बड़ा गुनहगार था मैं पहले डाकू था मैं झूठ बोलता था मैं झूठी गवाइयाँ देता था ऐसी कोई स्टेटमेंट मसीह के बारे में आपको नहीं मिलेगी उन्होंने कहा कि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी को पूरा करना। तो रास्तबाजी का निशान था गुनाहों से माफी का निशान नहीं था ये गलत फहमी ठीक ठीक फिर आरिफ मोहम्मद साहब जनाब मसीह की ही कही गई बात को कोट करते हैं जिस जहाँ पे जनाब मसीह कहते हैं और उनकी खातिर मैं अपने आप को मुकद्दस करता हूँ ताकि वो भी सच्चाई के वसीले से मुकद्दस किए जाएं। तो यहाँ इस बात को वो दलील बनाते हैं कि जनाबे में से तो ख़ुद अर्ज कर रहे हैं कि मैं जो है वो गुनगार हूँ और मैं अपने आप को मुकदस कर रहा हूँ तो अगर थोड़ी सी जहमत करते तो यहाँ पर भी ओरिजिनल लैंग्वेज पढ़ लेते वही मौजूद है यहाँ पर जिसके आपने पहले तशरी फरमाई उसकी तश्री कर दी उसकी मीनिंग आपको बता दी है तो मुसी कि मैं अपने आप को मुकदस करता हूँ यानी मैं अपने आप को एक मकसद के लिए डेडिकेट करता हूँ अपने आप को अलग कर लिया मैं और मुसीयसु यह भी चाहते थे कि सच्चाई के वसीले से लोग भी मुक़दस हो जाए वो भी डेडिकेट हो जाए अलग कर लिए जाए दुनिया से अलग कर लिए जाए और एक खुदा की बादशाही के अंदर फिट हो जाए सही और यही उनसे तो थी तो यहाँ पर भी ये मकसद नहीं है कि मुसीसु गुनाह से पाक किए गए नो तो चूँकि मैंने आपको बताया कि उन्होंने शुरू से थीसेस अपना डेवलप करना शुरू किया और गलत फहमी की बुनियाद पर सारे गलत ठीक तो ये सवाल भी वही है ठीक एक टेक्स्ट को गलत समझते हुए उन्होंने इस इसी ताकि बहुत सारे सवाल उठा दिए इसी बारे में वो इसलिए मैं एक दो डिबेट में मैंने अपने मुसलमान दोस्तों को मशवरा दिया कि आप तीन साल साढ़े तीन साल चार साल मेरे साथ बैठे सेमनरी में आए मुझसे पढ़ें ताकि आप इस किस्म की बौंगियाँ तो ना मारें ठीक ठीक हाँ फिर जो एतराज उठाए जाएंगे वो ज्यादा मुतिल या ठोस किस्म के हों और फिर उनको एड्रेस किया जाए तो ज्यादा तो हो। आप तो अच्छा है बजाय को लेकर आपने देख लिया तीन साढ़े तीन साल हो गए हफ्ते में इस प्रोग्राम को जितने भी सवाल आ रहे हैं सारे जी मिसकन और तर्जुमे के ऊपर बेस करते हैं यानी ओरिजिनल टेक्स्ट को लोग पढ़ना जो है वो गवारा नहीं करते हैं और इसी बारे में वो ये साया नबी के सही पे उसके छठे बाप के साथ में को कोट करते हैं कि ये साया नबी को भी जो है पाक किया गया था मुकदस किया गया था वहाँ पे ठीक है ये साया को भी पाक किया गया लिखा तेरी बदकरदारी दूर हुई और तेरा कफारा हो गया यहाँ ठीक है ये बात लिखा उसको मुकदस भी किया अलग भी किया लेकिन उसकी बदकरदारी भी दूर हुई है उसका कफारा भी दिया गया ठीक है थीक। तो आ, आ, दोनों बातें हैं लेकिन मुकदस करना अलहदा करना वो अपनी जगह पर अब भी कायम कहा किसी नबी को पाक किया जा सकता मतलब हजरत दाऊद के बारे में हम जानते हैं कि उससे गलती सरजद हुई उससे गुना हुआ बल्कि हम तो बर्मला कहते हैं कि उनसे गुनाह ही हुआ और हजरत आदम से भी हुआ गुनाह तो दाऊद के बारे में तो जबूर कावन में उन्होंने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी और उसका एतराफ़ किया तो खुदा ने उसको माफ़ किया ना समझता माफ़ किया तो पाक किया ठीक इसी हवाले से वो यरमिया का भी हवाला देते हैं कि यर्मिया को भी खुदा ने जो है माँ के पेट से चुना था वहीं से उसको पाक किया था जी यरमिया पहले बप की पाँचवीं आयत ये ठीक है यहाँ पर लफ्ज़ इब्रानी जबान का लफ्ज है नातत इसका मतलब भी चुनना और मुकर करना ये लैंग्वेज चूंकि फ़र्क है बात वही है कि उनको भी अलग कर लिया गया माँ के पेट ही से चुन लिया गया कि आप ये काम करोगे काम के लिए मखसूस किया सही अच्छा इन्हीं बातों से कि यमिया नबी को अगर हम देखें या साया नबी को देखें तो उनको पाक किया गया उनको जो है मुक़दस किया गया तो फिर ये तो थोड़ा सा तजाद सा मालूम होता है कि फिर इसका मतलब कि आप जो बात पहले कह रहे थे कि जनाब मसीह को पाक नहीं किया गया बल्कि अलग से मखसूस किया गया और दीगर अम्बिया काम को जो है पाक किया गया क्योंकि थोड़ी सी स्टेटमेंट मुझे थोड़ा सा तजाद दिखाई देता है तो इस पर आप थोड़ी सी मज़ीद अगर रोशनी डालें तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा देखें जो मौसू ने थीसस डेवलप करने की कोशिश की है वो उसमें बुरी तरह नाकाम है वो इसको खुला तजाद इस सूरत में समझ रहे हैं कि अम्बिया कराम बी और मसी को भी उनके गुनाहों से पाक किया गया और जिसको गुनाहों से पाक किया जाता है वो पहले गुनागार होता है, होता है ठीक है। और वो पहले मुकदस नहीं होता है बाद में मुकदस किया गया अब पर इसको फिट करें कि अगर उसको भी आम नबियों की तरह आम लोगों की तरह पहले वो गुनागार था मुकदस कर दिया गया तो फिर क्रिश्चन दावा करते हैं कि वो खुदा है तो खुदा तो ऑलरेडी मुकदस होता है पाक वो तो पाक होता है तो ये तो खुला तजाद है ये बात वो करने की कोशिश रहे हैं तो मैंने तो बड़ी डिटेल के साथ ये बताने की कोशिश की है और मुझे बड़ी उम्मीद है कि नाजरीन को मेरी बात समझ आ गई होगी अगरचे मौसूफ़ को मेरी बात समझ ना भी आए लेकिन नाजरीन बड़े चला के उनको समझ आ गया होगा कि मसीह यसू के बारे में उनको अलग करना उनको चुनना या किसी शख्स को भी मुक़दस करने का ये मतलब है कि उनको किसी मखसूस काम के लिए अलग कर देना तो ये खुला तजाद नहीं है मुसी को हम खुदा मानते हैं हमारा ईमान है और ऐसा नहीं है कि वो पहले पाक नहीं थे तो उनको पाक किया गया वो पाक थे और उस ज़मीनी ख़िदमत के दौरान भी वो हर आजमायश से गुजरे तो भी बेगुनाह रहे ठीक बहुत शुक्रिया प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब इन तमाम सवाल पर रोशनी डालने के लिए और तमाम नाजरन का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे प्रोग्राम को देखते हैं पसंद करते हैं और कुछ तनकीद भी करते हैं जो कि कंस्ट्रक्टिव तनकीद हमारे प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए कारद है तो आप हमें अपनी कंस्ट्रकटिव तनकीद भी से भी आगाज़ ज़रूर करें प्रोग्राम में और आप क्या देखना चाहते हैं अगर आपके जहन में कोई इसी तरह का सवाल हो कोई सवाल जो आपको सोने ना देता हो परेशान करता हो वो आप हमसे हम तक लिख भेजिए हम ज़रूर उसे एड्रेस करने की कोशिश करेंगे और ज़रूर चाहेंगे कि आप इन तमाम गलत फहमियों और इबहमात से निकल कर हतमी सच्चाई तक पहुँच सकें प्रोग्राम से इजाज़त चाहेंगे इसी के साथ कि आप सच को जानिए सच को सोचिए और सच को सुनने और बर्दाश्त करने की हिम्मत और हौसला अपने अंदर हमेशा रखिए प्रोग्राम हतमी सच्चाई से मुझे और प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब को दीजिए इजाज़त खुदा हाफिज़